ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष द्वारा औद्योगिक पैकेज के विषय में मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर दी गई प्रतिक्रिया को तथ्यों के विपरीत करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने 5 वर्ष एक सफल उद्योग मंत्री के रूप में औद्योगिक विस्तारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष द्वारा औद्योगिक पैकेज के विषय में मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर दी गई प्रतिक्रिया को तथ्यों के विपरीत करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने 5 वर्ष में एक सफल उद्योग मंत्री के रूप में औद्योगिक विस्तारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भाजपा सरकार उद्योगपतियों के साथ जिस भूमि बैंक की बात कर रही है वह भी मुकेश अग्निहोत्री वो कांग्रेस सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि मुकेश अपने अनुभव के आधार पर यदि कोई सार्थक सुझाव सरकार को दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री को उस पर गौर फरमाना चाहिए। यदि भारत सरकार ने उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल को पैकेज नहीं दिया तो मुख्यमंत्री और सरकार की ये इन्वेस्टर मीट सह सपाटे तक ही सीमित रह जाएगी। कौशल ने कहा कि महिंद्रा तथा अंबानी ग्रुप द्वारा हिमाचल में रिजॉर्ट बनाने का प्रस्ताव हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हिमाचल एक पर्यटक राज्य है और कोई भी ग्रुप पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं का दोहन करके धन अर्जित करना चाहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि हिमाचल के उद्योगीकरण की आधारशिला प्रदेश में वीरभद्र सिंह ने रखी थी जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश एक प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित हुआ है और सत्ता शक्ति को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर महत्वपूर्ण टहलीवाल द ग्रेट का एक चक्कर राजनीतिक चश्मा उतार कर लगा ले तो उन्हें हर तरफ कांग्रेस और मुकेश अग्निहोत्री ही नजर आएंगे। इसके अलावा पंडोका भी उनके घर से शायद दूर नहीं है। जिस भूमि बैंक की बात सरकार कर रही है पंडोका भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा देश के अंदर और विदेशों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने के लिए इन्वेस्टर मीट्स हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है और इस संदर्भ में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मुकेश अग्निहोत्री जी को निशाना बनाकर एक बयान दिया है। उस बयान की कांग्रेस आलोचना करती है और औद्योगिकरण के विषय में मुकेश अग्निहोत्री 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में उद्योग मंत्री रहे और बतौर उद्योग मंत्री उद्योगों की स्थापना में विस्तारीकरण में मुकेश अग्निहोत्री की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश के अंदर रही है और अपने अनुभव के आधार पर अगर कोई सुझाव पूर्व उद्योग मंत्री मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार को दे रहे हैं तो सरकार और मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी आलोचना करने के बजाय उनको गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए ताकि जो हिमाचल प्रदेश का औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा मिल सके। आज समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अंबानी ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप हिमाचल प्रदेश के अंदर रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं। कोई भी ग्रुप हिमाचल प्रदेश में अगर रिजॉर्ट्स बनाता है मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हिमाचल एक टूरिस्ट स्टेट है, पर्यटन स्थल है पूरा प्रदेश और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और कोई भी व्यापारिक ग्रुप कमर्शियल ग्रुप ऐसी जगह पे ऐसी स्टेट में जहाँ जो वहाँ की खूबसूरती है वहाँ की आबो हवा है उसका दोहन धन अर्जित करने के लिए करना चाहेगा तो मैं प्रदेश के लिए इसको उपलब्धि नहीं मानता। और यदि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट और जेएमके की तर्ज के ऊपर फुल फ्लैश औद्योगिक पैकेज अगर नहीं देती है तो ये जितनी इन्वेस्टर मीट्स हो रही हैं चाहे वो विदेशों में हुई चाहे वो देश के अंदर हो रही हैं इनका नतीजा एक सैर सपाटे से अधिक कुछ नहीं होगा। आज प्रदेश के अंदर
जो वर्तमान में स्थापित उद्योग हैं वो पलायन कर रहे हैं, या उत्पादन जो है जितनी क्षमता उत्पादन की है उसमें कमी उद्योगों ने की है, और पलायन और उत्पादन में कमी के चलते जो हिमाचल के नौजवानों को श्रमिक के तौर पर अथवा दूसरे कर्मचारी के तौर पर रोजगार प्राप्त हुआ है, आज उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो वर्तमान में उद्योग हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित हुए हैं, वर्किंग हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए सरकार उनको प्रोत्साहित करे, उनको प्रोटेक्ट करे, ताकि और जो कम उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन जो उद्योग कर रहे हैं उनकी भी सरकार सुध ले, ताकि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, रिट्रेंचमेंट हो रही है, उसको रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश आज एक औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित हुआ है और इसकी आधारशिला पूर्व में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी थी, और आज कांग्रेस सरकार की नीतियों कार्यक्रमों वीरभद्र सिंह की दूरदर्शिता की वजह से आज हिमाचल प्रदेश जो है एक विकसित औद्योगिक राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। और सतपाल सत्ती जी को तो मैं ये कहूँगा कि उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके नज़दीक ही उनके अपने ज़िला में महतपुर, गगड़ेट, डालीवाल, अगर यहीं वो राजनीतिक चश्मा उतार कर एक दौरा कर लें तो उनको इन्हीं कस्बों में इन्हीं जगहों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का औद्योगिकी और औद्योगिकरण और मुकेश अग्निहोत्री का नाम जगह जगह लिखा हुआ नजर आएगा। और उनके घर के नज़दीक ही एक और जगह है बड़ोगा, आज जिस भूमि बैंक की बात हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल में उपलब्ध होने की बात कर रही है, वो भूमि बैंक बड़ोगा में भी उपलब्ध है, और वो भी पूर्व उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी के प्रयासों से, उनकी दूरदर्शिता से ही आज बन के जो है तैयार हुआ है। तो इसलिए इस तरह की बयानबाजी करने की बजाय अगर विपक्ष का कोई नेता अपने अनुभव के आधार पर सरकार को कोई सुझाव देता है, सरकार को आलोचना करने की बजाय और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आलोचना करने की बजाय उस सुझाव के ऊपर गौर करना चाहिए। ऐसे सुझाव प्रदेश हित में है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, प्रदेश की मजबूती।